श्री सुभाष बहेरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अमेंडमेंट बिल, कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट अकाउंटमेंट बिल 2021 के समर्थन में बोल रहा हूँ। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट देश का एक जो ये तीनों प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रतिष्ठित प्रोफेशन है और इनकी अपने देश में ही नहीं विश्व में भी प्रतिष्ठा है। और आज विश्व के अंदर भी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, मान्यता प्राप्त है। तो यह इसकी जो विशिष्टता है यह बनी रहे और इसीलिए यह अमेंडमेंट के बिल अमेंडमेंट है। महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में 1959, 2006 और 2011 में अमेंडमेंट हुए थे। ऐसे ही कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट एक्ट में 2006 और 2011 में हुए और कंपनीज एक्ट में 2006 और 11 इसमें कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में। तो ये अलग अलग अमेंडमेंट स्थिति के अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है तो समयानुकूल कानून में परिवर्तन जरूरी है और इसी कारण से यह क्यों यह बिल आया। महोदय जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, महोदय जी तो क्यों, तो ये बात है मैं कोट करना चाहता हूँ। 1 जुलाई 2017 चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहां संबोधन किया उसका जो उन्होंने बोला वो कोट करना चाह रहा हूँ। कोट, आई कोट, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू मोर डाटा आई वांट टू पुट माय थॉट बिफोर यू सीए ब्रदर्स, ए पर्सन और ए क्लाइंट पे टैक्स ओनली वेन द एनवायरमेंट अराउंड हिम इज कंडक्टिव विच मोटिवेट हिम टू पे द टैक्स ऑनेस्टली। इफ ही सी दैट द एडवाइजर हिमसेल्फ इज आस्किंग हिम टू हाइड द ट्रूथ देन ही विल बोल्डली ट्रेवर्स द रोंग पाथ। थस इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई सच रॉन्ग एडवाइजर्स एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम एंड फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू टेक टफ स्टेप्स। सीए इज एन अरेंजमेंट इन विच वुमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज डन ओनली बाई यू, करिकुलम इज मेड बाई यू ओनली, you conduct the exam, rules, regulation are also made by you and your institute only punishes the culprits. Now the question arises, there the temple of democracy in Parliament of India which is the voice of 125 crore countrymen that time, he has given so much authority, then why is it that in the last 11 years only 25 chartered accountant have been prosecuted, did only 25 people make a mess, and I have heard then more than 1400 cases is still pending for many years now. A single case takes years to settle. Tell me my friends, it is a matter of concern or not for such highly qualified professionals. अनकोट। महोदय जी, आज जो जैसे हमारे सामने वाले अभी मित्र बोल रहे थे कि यह इंडिपेंडेंट जो है इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। महोदय जी, 5 डिसिप्लिनरी कमिटी में मेंबर बनने हैं, 5 में से 2 मेंबर काउंसिल के और 3 मेंबर जो बनने हैं
वो भी रिकमेंड जो पैनल होगा वो काउंसिल के द्वारा रिकमेंड होगा, सरकार अपने आप नहीं। तो इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि भाई गवर्नमेंट जो पैनल काउंसिल बना के भेजेगी और उस पैनल में से ही उनको प्रेसिडेंट लेना, उस पैनल में से ही मेंबर्स सदस्यों को चुनना। तो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई इसमें जो इंस्टीट्यूट है, जो काउंसिल है या उसकी ऑटोनॉमी पर, उसकी जो स्वायत्तता है उस पर फर्क पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेंबर बन रहे हैं जो वो उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से पैनल में से ही सरकार बनाएगी, सरकार उस पैनल के बाहर से मेंबर नहीं बना सकती, यह कानून में प्रावधान है। तो इसलिए यह कहना, पर इसके क्यों अपने को ऐसे है, क्योंकि इसमें 3-4-5 विशेष कारण है जिसके कारण ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं। सबसे पहले तो जैसा बता रहे थे डिसिप्लिनरी वाला, महोदय जी इसमें वास्तव में जो कई गलतियां हुई और जहां सीए ने गलती की, पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन में काफी डिले हुआ। यह मैं भले ही एक मेंबर हूं और मेंबर के बाद बोल रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, लेकिन जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है वो काफी लंबा समय लेने वाला। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा यह तय किया गया कि डिसिप्लिनरी जो प्रोसेस है वो एक साल में यानी 365 दिन के अंदर पूरा हो जाए। यह जरूरी है, नहीं तो यह हालत हो रही। इसमें क्या था पहले प्रावधान का, कोई भी कंप्लेंट डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास आती थी तो डायरेक्टर पहले यह देखता था कि प्राइमा पेशी प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है, और उस राय को बनाने में उसको 5-5, 7-7 साल लग जाते थे। राय नहीं बनती थी प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है, कि ये एक्शनेबल है कंप्लेंट या नॉन एक्शनेबल है वो राय। अब राय की जगह जो डिसिप्लिन डायरेक्टर है उसको सीधा अपनी जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी कि भाई ये एक्शनेबल है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो ना। इसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया ताकि कोई भी कंप्लेंट, कोई भी स्टेक होल्डर जिसको प्रभावित हुआ, जिसके जो जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके साथ कुछ भी हुआ है, अगर वो कोई कंप्लेंट करता है तो उसमें उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वो डायरेक्टर के पास सबमिट करेगा, वो टाइम देगा। उसमें टाइम लाइन एक्ट के प्रावधान में दिया हुआ कि इतने दिनों में उनको सबमिट करनी पड़ेगी, इतने दिनों में रिप्लाई आएगा, इतने दिनों में नहीं आया। अगर नहीं तो अभी तक तो क्या होता था, उसको डिले कर जाते थे कोई ना कोई कारण, पर अब के इसमें जो एक्ट के अंदर ये प्रावधान कर दिया टाइमलाइन का, उस टाइमलाइन में जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है अगर उस टाइमलाइन में वो अपनी रिप्लाई फाइल नहीं करता है या कोई भी है तो उसको फिर उसको एक्ट पार्टी कर सकते हैं, यह प्रावधान अभी है। क्योंकि जानबूझकर जिसके खिलाफ कंप्लेंट गई वो जानबूझकर उस कंप्लेंट पे कार्रवाई न हो इसलिए वो डिले करते थे, वो डिले करने का जो है अब उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। उनको रिप्लाई जो भी उनके पक्ष की रिप्लाई है ही हैज टू गिव दैट रिप्लाई। उसके साथ साथ जो आगे फिर जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये कंप्लेंट है ये एक्शनेबल नहीं है तो वो अपने कमिटी के पास, डिसिप्लिन कमिटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास भेजेगा और वो उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या एक है कि नहीं, और अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो वापिस उसको डायरेक्टर के पास भेज सकते हैं। और एक सबसे बड़ा लकुना पहले था कि मान लो किसी सरकारी अधिकारी ने कोई कंप्लेंट की कि भाई ये अकाउंट, ये जो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, इसने यहाँ गलती की है, और उसके प्रूफ के साथ अगर वो डायरेक्टर को भेजता है कि भाई ये इसके प्रूफ है ये गलती की, तो उसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट माना जाएगा। पहले यह था कि पहले वो अगर विद प्रूफ भेजता भी था तो भी उसको पहले ओपिनियन के लिए उसमें चल जाता था, प्रिलिमिनरी ओपिनियन क्या है उसमें चली जाती थी और उसमें टाइम लग जाता था। अब तो उसको उसमें ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही अगर सरकार के किसी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी सरकारी कॉरपोरेशन के किसी भी जो ऑथराइज पर्सन है जिसने विद प्रूफ अगर कोई कंप्लेंट दी है तो वो अपने आप में वो रिपोर्ट मानी जाएगी, उस पर एक्शन होगा। तो ये बड़ा चेंज जो है इसका कारण ये
क्योंकि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं और उससे आज जो मेंबर्स है इंस्टीट्यूट है उसकी ऊपर कुछ सवाल लोग उठाने लग गए और इसी कारण से यह अमेंडमेंट लड़ा हुआ ताकि यह डिसिप्लिनरी, और उसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया कि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है तो वो उसको पोर्टल पर डाला जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में है, डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास में है, या उसका निस्तारण हो गया, क्या निस्तारण हो गया, सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंसी के लिए, बिल्कुल साफ सुथरा के लिए सारा उसको पोर्टल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया, ताकि कहीं पर भी कोई न तो किसी के साथ कोई जाति हो सकती है और न कोई जो है जो जिसने गलती की है वो बच सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है डिसिप्लिन का मेजर अमेंडमेंट जो इंस्टीट्यूट रहा बात जो है, पर यह आपको फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पैनल जो बनेगा, मेंबर जो बनेंगे कमिटी के, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो नॉन मेंबर जो इसमें सदस्य बनने वाले हैं डिसिप्लिनरी कमिटी में, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फ्रॉम द पैनल जो काउंसिल द्वारा दिया जाएगा गवर्नमेंट को, वही मेंबर बनेंगे। ऐसे कैसे ही दूसरा जो एक अमेंडमेंट इसमें और आया है वो आया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तीनों इंस्टीट्यूट, तीनों का काम करीब की जो अलग बात है कि एक में संख्या चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज्यादा है और दूसरी में संख्या थोड़ी कम है, पर एक 2000 सन 2000 में एक एमओयू हुआ था तीनों इंस्टीट्यूट के बीच में कि तीनों इंस्टीट्यूट आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन वो एमओयू कागजों पर रह गया, वो कोई लीगल शेप में नहीं आया, तो इसलिए उस कोऑर्डिनेशन के लिए ये अमेंडमेंट इसमें लाया गया है कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी से इंडिविजुअल जो प्रोफेशन है उसके ऑटोनॉमी में कोई फर्क नहीं आने वाला, वो तो अपने हिसाब से एग्जाम करें, क्योंकि आज सभापति महोदय स्थिति एग्जाम जो सीए का पास करना कितना टफ है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि 3 साल तक तो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और उसके साथ साथ एग्जाम, और एग्जाम का रिजल्ट रहता है 1.5 से 2%। आज इतने सालों में कुल आज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुल 3,27,000 है जो अभी मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के, तो इतना टफ एग्जाम को इतना नहीं, तो इसी कारण इसके जो प्रोफेशन की जो है ना मान्यता पूरे विश्व में केवल इसी कारण से है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये मान्यता बरकरार रहे इसी का ये है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तीनों की जो एमओयू थे, एमओयू किया था तीनों इंस्टीट्यूट ने, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इस बार सेक्शन 9 में ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो वर्क रहेगा वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट के वर्क में प्रोफेशन में इंटरफेयर करने का नहीं है, उनका जो काम रहेगा वो कि भाई ये एक प्रोफेशन का जो अच्छा ही है दूसरे प्रोफेशन वालों को मालूम पड़े वो उसमें चर्चा करे उसको इम्प्लीमेंट करे, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी। बाकी इंडिविजुअल जो कर रहा है प्रोफेशन अपने आप जो काउंसिल कर रही है जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वो अपने हिसाब से एग्जाम अरेंज करेंगे, अपने हिसाब से ही मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने अलग अलग उनके जो भी नियम है उस हिसाब से करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आपस में जो है इफेक्टिव कोलोबरेशन आपस में हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी मोर ऑल वैसे एक ही तरह के हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, क्योंकि वो वेरीफाई करता है, वो ऑडिट करता है, वो सर्टिफिकेशन करता है, इसलिए थोड़ी उन पे ज्यादा होती है। तो ये इसलिए कोऑर्डिनेशन की जो है ये एक जो सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या होता था कि किसी कंपनी के ऑडिट किया, कहीं पे भी सर्टिफिकेट दिया और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में के किसी पार्टनर ने उसको वेरीफाई किया, सर्टिफाई किया, और अगर उसमें कुछ गलती हुई तो केवल जो साइन करने वाला है, क्योंकि इस जो एक्ट के अंदर यह प्रावधान नहीं था कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पे कोई कार्रवाई हो सके, इसलिए जो व्यक्ति साइन करता था वो जिम्मेदार होता था, फर्म नहीं होती थी। इसीलिए एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया है कि उस फर्म को भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि जैसा जो पार्टनरशिप फर्म का नियम है
का पार्टनर इंडिविजुअल भी लाइबल है, फर्म के हिसाब से कलेक्टिवली लाइबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से अगर कहीं वो पार्टनर किसी गलत जगह गलत साइन करता है या गलत कुछ सर्टिफिकेशन करता है और वो प्रूव हो जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी पूरी फर्म की आती है, कार्यवाही पूरी फर्म और उसके पार्टनर्स के खिलाफ होगी। तो यह एक जो उनको बचने का रास्ता था फर्मों में, बड़ी बड़ी फर्मों में, तो इसका जो उस रास्ते को बंद करने के हिसाब से यह अमेंडमेंट किया गया है। एक जो आगे एक ऑडिट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यह सबसे बड़ी बात है, तीनों इंस्टीट्यूट जो है यह ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार की तरफ से एक पैसा भी ग्रांट नहीं मिलता है। तो कहीं बातचीत आई थी जो कहते थे कि नहीं साहब इसके सीएजी ऑडिट, तो सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी ग्रांट का पैसा एक भी नहीं है। तो नया इसमें दिया कि पहले क्या काउंसिल तय करती थी कि भाई ये व्यक्ति इस कंपनी का, काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काफी बड़ा फंड है और वो सारा उनके मेंबर से, उनके स्टूडेंट से, फीस से यह आया हुआ वही है, कोई सरकारी उसमें एड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ऑडिट के लिए जो पहले काउंसिल तय करती थी कोई ऑडिटर को, अब जो है वो काउंसिल केवल सीएजी ने जो पैनल बना रखा ऑडिटर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसी में से ऑडिट कर सकेगी। और उसके साथ साथ एक और नियम है कि जो कभी काउंसिल का मेंबर रहा है 4 साल तक वो ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 साल तक, क्योंकि मेंबर रहा है। इसके अलावा काउंसिल के इलेक्शन में भी जो पहले 3-3 साल का टाइम पीरियड था और एक मेंबर 3 बार इलेक्शन, 3 बार कंटिन्यूस बन सकता था, लेकिन अब उसको 4-4 साल करके काउंसिल मेंबर्स को और उसके पदाधिकारी को 4-4 साल करके और 2 बार का ये अमेंडमेंट किया, इसमें कोई वो विशेष नहीं। और एक जो और सबसे बड़ा जो इसमें हुआ है कि पहले जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता था, काउंसिल का जो अध्यक्ष होता था, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वही होता था, काम भी जो है, वर्क भी, सारी जिम्मेदारी उसकी थी। अब इसमें थोड़ा सा पावर सेपरेशन का किया, वो तो एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट जो है वो केवल ये देखेगा कि जो प्रोफेशन है वो एज पर एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो प्रशासनिक काम करने के लिए जो सेक्रेटरी है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया, ताकि डे टू डे वर्किंग जो भी है, जो भी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रेसिडेंट, डे टू डे वर्किंग सेक्रेटरी के या प्रशासनिक जो है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेक्रेटरी के पास हो गई और डिसीजिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास, काउंसिल के पास ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं, पर उसको एग्जीक्यूट, जो काउंसिल ने निर्णय किया उसको एग्जीक्यूट करना वो जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वो चीफ वो होगा।